बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने जाने वाले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो कि खबरों में आ गया है। बता दें आपको, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है जिसे लेकर बवाल होना तय माना जा सकता है। स्वामी ने जो ट्वीट किया है वो आप देख पा रहे हैं हमारी रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि क्या मैं मुस्लिम विरोधी हूँ? मैं उन मुसलमानों का समर्थक हूँ जो गर्व से स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वो अपनी इच्छा से हिंदू संस्कृति का पालन करते हैं। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले भी मुसलमानों और इस्लाम को लेकर विवादित बयान दिया था। साल 2011 में बीजेपी सांसद ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था जिसे लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें पढ़ाने से रोक दिया था। तो वहीं बीते दिनों हुए ताजमहल विवाद को लेकर स्वामी ने कहा था कि ताजमहल चोरी की जमीन पर बनाई गई इमारत है। उन्होंने कहा उनके पास ऐसे सबूत भी हैं। साथ ही आधार कार्ड मामले की अनिवार्यता को लेकर स्वामी ने इसे देश की सुरक्षा के खतरे से जोड़ दिया था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।